तो बच्चों को सेफ्टी लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। नमस्ते, छोटी वो भाई खेलते खेलते और धीरे धीरे जैसे हमारी सफारी आगे बढ़ रही है, जंगल और खूबसूरत होते हुए जा रहा है। और गाइस हम यहाँ से निकले ही हैं, मैंने बोला था ना कुछ भी हो सकता है। अभी जस्ट हमें अलर्ट कॉल मिली है, अलर्ट कॉल आ रही है स्पॉटेड डियर की, तो हम पहुँच रहे हैं उस जगह तक। और देखिए बाहर को आ रहा है टाइगर, देखो बाहर को आ रहा है। दो आगे दो टाइगर हो गए दो। हाँ, एक मेल एक फीमेल, एक और आ गया, तीन हो गए तीन। और भाई गाइस तीन टाइगर, दिस इज अ बम्पर साइडिंग, बिजरानी चोट, और जस्ट कैंपस से जस्ट आगे, और ये आगे मंदिर भी है भाई, और बाकी अभी सबसे पूछेंगे भाई। Hey guys, welcome back to our YouTube channel Wildlife D-Zone, मैं आपका friend and host दीपांकर खुलबे स्वागत करता हूँ आप सभी का आप लोगों के YouTube चैनल Wildlife D-Zone से। तो दोस्तों अभी मैं हूँ हल्द्वानी और आज हम करने वाले हैं जंगल सफारी एट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो आज हम जा रहे हैं बिजरानी जोन में, और मौसम मैं आपको दिखा देता हूँ यार, कुछ ऐसा है। और सुबह के टाइम में मतलब काफ़ी बारिश भी हो रही थी, हल्द्वानी सिटी है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि शिवालिक रेंज है जो कि हिमालय की सबसे युवा, जिसे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा युवा पहाड़ है, तो उसको शिवालिक रेंज बोलते हैं। तो जो कि पूरे में आपको दिखेगी, और उसके बैक साइड में नैनीताल यहाँ पड़ता है, और उसके पीछे हिमालय पर्वत आ जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यार कई लोग पूछ रहे थे कि सुबह और शाम को बाघ ढूंढा जाता है, एक्चुअली मैं बता दूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दो सफारी होती है, दो स्लॉट में सफारी होती है। एक मॉर्निंग, तो मॉर्निंग की टाइमिंग ऐसी कुछ रहती है 6:30 बजे से 4 घंटे की सफारी होती है, और इवनिंग की टाइमिंग होती है 1:30 बजे से जो कि 4 घंटे की सफारी होती है। और मॉर्निंग में आजकल मतलब विंटर का टाइम है तो काफ़ी बार फोग लगा रहता है, मतलब कोहरा वगैरह होता है, तो 1 घंटा हमारा वेस्ट होता है, तो उसको हम अवॉइड करने के लिए दिन की सफारी कर रहे हैं आजकल काफ़ी टाइम से। तो अभी हम, और मैं आपको मिला दूँ, ये है हमारी डॉग एलेक्सा। एलेक्सा तो देखते हैं आज क्या होता है जंगल में, मतलब मस्ट भी है एडवेंचर तो होना ही है, उसके अलावा हम आप कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आज चीज़ें आपको दिखाने की। तो आप लोग बने रहिएगा, अगर आप चैनल में नए तो यार पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर देखते हैं रामनगर पहुंच गए। और गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं बिजरानी जोन के आमडंडा गेट पे, तो यहाँ से हमारी सफारी स्टार्ट होगी। तो आप ये जो देख रहे हैं आमडंडा गेट है जो कि बिजरानी जोन के लिए जाते हैं, तो अभी हमारे यहाँ पे परमिट वगैरह चेक होंगे, और उसके बाद हमारी सफारी गाड़ी भी आ गई है, और काफ़ी ज़्यादा अभी गाड़ी आने लग गई है काफ़ी ज़्यादा। 1:30 से टाइमिंग है, तो मौसम सही है, मतलब थोड़े टाइम पहले तो बारिश भी हुई थी। तो यहाँ पे ये है रिसेप्शन एरिया, तो यहाँ से मतलब परमिट वगैरह चेक होंगे और एंट्री होगी, और यहाँ से आप लोगों को गाइड भी मिलेगा जो आपके साथ सफारी में जाएंगे। तो हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, और ये पूरा जो एरिया है चौर पड़ेगा, उसके बाद जो बिजरानी का FRH है वो आप लोगों को दिखाएंगे, और उसके आगे मलानी FRH के आसपास तक हम जाएंगे। यहाँ पे कुछ वाटर हॉल है वो हम देखेंगे, और उसके बाद कोशिश करते हैं आज ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनिमल्स दिखाने की। और अभी फ़िलहाल हमारे मतलब ID वगैरह चेक हो गई है, और यहाँ पे मतलब सारे परमिट वगैरह चेक किए जाते हैं। तो इस बार हमें साथ में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ खत्री जी और सालीन, और इस बार हमारे साथ एकांत भी है और आदित्य।
तो यार अब हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ और हमारी सफारी जस्ट स्टार्ट हो रही है। तो सब बोलो गणपति बप्पा मोरिया। तो लेट्स स्टार्ट द सफारी ऑफ जंगल एडवेंचर। सफारी चालू हो चुकी है नितेश, यहाँ से आपका जंगल सफारी स्टार्ट हो रहा है। प्रॉपर जंगल थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, नेचुरल जंगल। अभी तो स्टार्टिंग का बफर एरिया चल रहा है, जैसे लेफ्ट राइट आप जंगल देख रहे हैं तो इसमें लोकल विलेजर्स आ जा सकते हैं। अकेला गाँव है यहाँ पर। तो ये पूरा नेचुरल फॉरेस्ट है जिसमें मतलब 60-70% हम बोल सकते हैं कि साल के ट्री हैं। और मैंने काफ़ी बार बताया भी कि साल के फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहती है एनिमल्स की। आगे गेट कौन सा है? ये यहाँ से फॉरेस्ट स्टार्ट हो रहा है। आगे लगा पे ना बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है सांबर डियर की, जिसमें स्टैग है, फीमेल है और पानी में है। तो हम उसकी कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं। नीचे लाल वाला सांबर फैमिली। तो ये आप देख सकते हैं सांबर डियर की फैमिली आ रही पूरी और मस्त खेलते खेलते। स्पॉटेड डियर भी है जस्ट थोड़ा आगे, हमें सांबर डियर दिखे थे। ये देखो ये करो, अबे इतने पास है। हेलो डियरी, बहुत सुंदर होते हैं स्पॉटेड डियर। दोस्तों बोला जाता है कि स्पॉटेड डियर है तो उसकी स्पेलिंग और मतलब सूंघने की क्षमता बाकी डियर में सबसे ज़्यादा होती है और काफ़ी 100-150 मीटर से उसको अनुभव हो जाता है कि टाइगर आ रहा है और वो अलर्ट कॉल दे देती है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी फैमिली है। एंटलर वाला भी वेलवेटी हॉर्न्स दिखाई दे रहे हैं, ग्रोइंग प्रोसेस चल रहा है। बाहर का कवर सॉफ्ट है इसकी फैमिली यहाँ पे, बाहर का कवर सॉफ्ट है ना, ग्रोइंग प्रोसेस चल रहा है उसमें। और धीरे धीरे जैसे हमारी सफारी आगे बढ़ रही है, जंगल और खूबसूरत होते हुए जा रहा है। यहाँ से देख रहे हैं पता कर लो क्या दिख रहा है। मैं अभी आपको लेके आया हूँ जो यहाँ का कैंपस है बिजरानी जोन का, FRH फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो ये ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, जो 4-4.5 हज़ार के अंदर मिल जाएगा आपको रूम। और ये यहाँ का मैप जो अपना पूरा जिम कॉर्बेट का मैप है। तो अभी हम हैं आपका बिजरानी टूरिस्ट जोन में और इस एरिया में हम हैं जो कि शहर के एकदम पास से निकलता है आमडंडा गेट से। और ये पूरा एरिया है और थोड़ा आगे जाके ढिकाला भी यहीं से मिलता है, लेकिन अभी हम जिस जोन में आए हैं वहीं को घूमेंगे। बिजरानी जोन में ही आपको लेके आए, तो यहाँ पे आप ब्रेक ले सकते हैं, वॉशरूम वगैरह। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से ओवरव्यू दिखाता हूँ।
और ये यहाँ का फ्रंट लुक है जो यहाँ का FRH है, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1928 को, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर आता है बिजरानी FRH। और बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू है, और आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ से जंगल भी काफ़ी सराउंडिंग है, बस बीच में वायर फेंसिंग है, तो अगर नाइट स्टे आप करेंगे तो काफ़ी एडवेंचरस रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आपको जंगल में नेचुरल कॉल्स, एनिमल्स की कॉल सुनने को मिलेगी और काफ़ी मज़ा आएगा। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी नाइट स्टे करने का। तो ये पूरा कैंपस एरिया है बिजरानी जोन FRH का। तो अभी यहाँ पे रूम लगे हुए हैं, हमने सर से पूछा था, तो बाकी मैं आपको एक कैंपस का टूर दिखा देता हूँ। इसके अंदर रूम है तो जो कि अभी गेस्ट की बुकिंग है। और ये यहाँ से फ्रंट का नज़ारा, और ये पूरा कैंपस का एरिया है, और वहाँ पे कैंटीन है खाना वगैरह खाने के लिए, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। और गाइस यार अभी बारिश भी आने लग गया था, मतलब क्या ये सफारी हमारी बारिश की होगी, जंगल में बारिश सफारी, देखते हैं। एक्साइटेड, मैं भी एक्साइटेड। तो क्या कहते हो, चलेगा इस? अभी फोटो शूट हो रहा है, खत्री जी हमारे फोटो खिंचवा रहे हैं एकदम पोज में, देखे एकदम पोज देखो यार। बारिश आ गई। और सब भाई क्या है, फिर बारिश होने वाली, इसको हम ढकेंगे या अभी ऐसे ही ओपन चले? अभी तो चलते हैं, फिर देखते हैं, फिर आगे। चलो ठीक है। तो गाइस हम बारिश में सफारी करने वाले हैं आज, नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन हम अपने गियर को तो कवर करेंगे क्योंकि हमारे पास है कौन सा है भाई, Alpha 1। निकलेंगे आगे की ओर। और कैंपस से निकले हैं, देखिए मतलब बूंदाबांदी पड़ रही है लेकिन ठीक है, अभी जब तक अच्छी खासी बारिश नहीं होगी तो हम ऐसे ही अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ओपन में सफारी करने का एक अलग आनंद है, एक अलग एक्साइटमेंट है। और ये जाती है मेन रोड, और ये जा रही है किचार, किचार की तरफ अभी हम जा रहे हैं। और यहाँ पे अभी मतलब फॉरेस्ट विभाग ने काफ़ी जगह आप देख सकते, एक मिनट, जयकॉल, पीछे लो यार, तो यहाँ पे मतलब जयकॉल है जो कि मतलब प्यार कर रहे हैं यार। बस बाबा बस, तो यहाँ फोटोग्राफ्स लेंगे। तो यहाँ पे हल्का हल्का मूव कर रहे हैं, आपके लिए। हाँ, और वहीं पे स्पॉटेड डियर भी है, तो मस्त अभी धूप खा रहे हैं। और जैसे मैं बता रहा था अभी फॉरेस्ट फायर कर रखी है थोड़ा ग्रासलैंड को कम करने के लिए, क्योंकि नई क्या रीज़न रहता है भैया, नई ग्रास आएगी ना अब इसमें, सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। हाँ, तो वो उनका फूड बनेगा बेसिकली, तो अभी एकदम ड्राई हो गई, खाना उनका नहीं कह सकते इसे, तो ये जल के अब फिर से सॉफ्ट ग्रास आएगी ग्रीन, ये भी देख। तो इनको यार फोटोग्राफ्स हमें अच्छी दी है तो बोलते हैं बाय बाय, मतलब वी कैन अप्रिशिएट देम ना, इतनी अच्छी फोटोग्राफ्स हमें देते हैं एनिमल्स। वहाँ पे क्या ये आर्टिफिशियल बना है ना वाटर हॉल, टाइगर का पगमार्क होता है ना। अच्छा, इस तरह का एक वाटर हॉल बना है। हाँ, ये वहाँ देखा था मैंने झलाना जयपुर में, वहाँ भी पगमार्क का ही एक बनाया था वाटर हॉल, बनाया। अच्छा, ये ऊपर से जब शॉट लेंगे ना। तो यहाँ पे किसका एरिया है, दो बच्चे हुए हैं उसके, दो बच्चे वाली एक अलग टाइग्रेस है, एक बच्चे वाली एक अलग टाइग्रेस है। अच्छा, कल इस तरफ को मूव किया था उसने शाम को। अच्छा, तो जो अभी उसके कब से हैं, कितने महीने के होंगे? ये बिल्ली से थोड़े बड़े, बिल्ली से बड़े मतलब हम कह सकते हैं 2-3 महीना, मतलब वो लगभग जैकल के बराबर, 4 महीना
और गाइस मतलब माटी का है और ये टाइगर ने यहाँ पे मार्किंग कर रखी है जो कि अपनी टेरिटरी को इंडिकेट करता है और अपने जो क्लॉज होते हैं उसको और घिस के और मजबूत बनाता है। जैसे क्या कहते हैं हम चक्कों में धार लगती है ना, वैसे ही इसके पंजों में इसके क्लॉज में भी ऐसी धार लगती है। बताना चाहूंगा कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें टाइगर पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया सबसे ज्यादा है और डेंसिटी वाइज सबसे ज्यादा टाइगर अगर बोला जाए तो वो भी हमारे जिम कॉर्बेट को कह सकते हैं। कई जगह तो बड़े अजीब नाम रखे हुए ना, मटकासुर, भस्मासुर, सोना मैश्वरिया, डिपार्टमेंट कहता है कि 250 प्लस हैं, किस किस के नाम रखे हैं। तो गाइस जो हम नाम की बात करते हैं ना टाइगर का, ये नाम नाककटी या कनकटी लोग कहते हैं, तो वो ऑफिशियली कोई भी नाम नहीं है, वो लोग ऐसे इंडिकेशन के लिए देते हैं, जबकि गवर्नमेंट की ओर से टाइगर के नाम रखना प्रतिबंधित कहेंगे क्या बोलेंगे सर? हाँ बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। हाँ मतलब लेकिन हम आइडेंटिकली मतलब उनकी लोकेशन के बेस पे हम बोल सकते हैं कि जैसे बिजरानी के अंदर कोई एरिया है चौड़ वाला है, टर्माइट है उसके नाम पे, या फिर कोई पेड़ है उसके नाम पे हम बोल सकते हैं कि उसका जो एरिया है। बट ऐसे मतलब अनसंग नाम रखना तो गलत चीज़ है। यहाँ पे सांबर डियर और स्पॉटेड डियर भी साथ में घूम रहे हैं। तो यहाँ से आगे गर्जिया जोन है, तो यहाँ से हम वापस रिटर्न हो रहे हैं। तो ये बॉर्डर है, यहाँ पे एक गाड़ी पहुंची है तो वो गर्जिया जोन की है। बारिश भी थोड़ी थोड़ी तेज होने लग गई है और जंगल भी और डीप हो गई है, है? काफ़ी तेज होने लग गई है बारिश और अब हम उतर भी नहीं सकते, तो मतलब ऐसा है कि चलती हुई गाड़ी से ही हम पूरा कवर इस पर लगाएंगे। आगे ले जा रही है गाड़ी, बस दोनों रस्सी नहीं डाल देना नीचे को। और ये अब हम कवर हो गए कैंपिंग करते कैंपिंग हम बंद हो गए, मतलब बारिश भी होने लग गई है यार, अच्छी बात है ना। और वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कैमरा एंड गियर्स आल्सो, सो दैट्स व्हाई। तो अभी चलो बारिश यार, अभी फिर से बारिश बंद हो गई है और धूप आ गई है और हमने अपने ऊपर से कवर भी हटा दिया है, तो अब देखते हैं, लेट्स सी। देखिए गाड़ी की जो है आगे की छत हुई बंद है तो हमारे गाइड लोग नहीं दे सकते हैं, तो हमारे दीपांकर भाई सर्च कर रहे हैं जंगल को कहीं कुछ दिखे, एक क्लू मिले टाइगर का, एक कॉल मिले। कुछ वहाँ से कुछ बोला गया उन्होंने, तो यार अभी हम जिस एरिया में आए हैं उसका नाम है 0 पॉइंट वॉच टावर बिजरानी का, तो वहाँ पे वॉच टावर है जिसकी वजह से इसका नाम वॉच टावर है। और यहाँ पे वाटर हॉल है जो कि मतलब नेचुरल नहीं है,
आर्टिफिशियल है, तो जानवरों को काफ़ी बार पानी में प्यास बुझाने के लिए बनाया है। बेसिकली यहाँ पे यूज़फुल रहता है समर में, तो समर में अच्छी खासी साइडिंग होती है इस एरिया में। अरे ये किसने हल्ला काटा? हाँ हाथी की आवाज़ थी। नीचे हाथी की यहाँ पे फ्रेश रंग है, मतलब कि नीचे की तरफ गया है। चलने के भी इसके वो है, आगे हाथी के चलने के पगमा है। ओ भाई आगे ट्रैक में हाथी है, एलिफेंट इससे आगे ले लो यार। देख हमें दिखा तो पहले फोन पे लेना। हाँ चलो हाँ ठीक है। अब ले लो फोटो लो फटाफट। थोड़ा और पीछे चल रहा है, थोड़ा सा और पीछे चल चल चलो ऐसे चलते चार्ज करते हो तो वाली शॉर्ट्स ले लेता हूँ। नहीं मत करिए मत करिए, अपने आ जाएगा अपने आप आ जाएगा। नहीं आ रही, नहीं आएगी इससे आगे, नहीं आएगी, बहुत गाड़ी है ना। तो आएगी तो सबसे पहले हम ही हैं, बहुत एग्रेसिव लग रही, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आएगी तो याद आएगा सबसे पहले हम ही हैं। स्मेल ले रही और ये क्या फ्रेम आया है, और
पीछे बच्चे का तो दे, उसके बच्चे नाराज हो गया, बच्चा आ गया, बच्चा अरे भाई साहब नाराज हो गया मम्मी बच्चे चल घर चल थोड़ा सा थोड़ा बस 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 खराब है मैम एक चार्ज और बस मैम एक चार्ज और भाई बच्चे का क्या ही सही आया भाई दौड़ चल।